ओझर ग्राम के जेनिंग परिसर में महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कई पोषक व्यंजन बनाए। ओझर ग्राम के जेनिंग परिसर में महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कई पोषक व्यंजन बनाए, साथ ही पोषण की शपथ दिलाई गई। पोषण माह के तहत जेनिंग परिसर में शनिवार को पोषण मेला लगाया गया। छात्राओं और महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की गई। दो छात्राओं का हीमोग्लोबिन 11.5 ग्राम मिलने पर उन्हें मिस हीमोग्लोबिन का क्राउन पहनाकर सम्मानित किया गया। पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाकर छात्राओं को खिलाया गया। इस मेले में गर्भवती महिलाएं और अन्य महिलाएं शामिल हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पौष्टिक व्यंजन बनाकर उसकी प्रदर्शनी लगाई। इसमें THR पोषण आहार से लड्डू और बर्फी बनाई गई। दूध पाउडर से केक बनाया गया। इस दौरान ग्रुप के सदस्य कुशवाहा मैम ने महिलाओं और छात्राओं को सही पोषण आहार का महत्व बताया। उन्होंने कहा, बच्चों को पौष्टिक भोजन भरपेट नहीं मिलने से वह कुपोषित होते हैं। घर में पाई जाने वाली सामग्री, दालें, हरी सब्जियां और फलों का सेवन बच्चों को नियमित कराएं। किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता रखने और पेट भर खाना खाने की समझाइश दी गई। प्रभारी महिला बाल विकास अधिकारी स्वामी मैम ने एनीमिया रोग की जानकारी दी। उन्होंने बताया, खाना नहीं खाने से कमजोरी आती है। शरीर में खून की मात्रा कम होने से एनीमिया रोग होता है। इस बीमारी से बचने के लिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में भोजन कराएं। गुड़, चना, फल के साथ अंकुरित दालों और हरी सब्जियों का सेवन कराएं। पोषण मेले में कार्यकर्ताओं ने 50 से अधिक पौष्टिक व्यंजन बनाकर उसकी प्रदर्शनी लगाई। पौष्टिक व्यंजनों में पाए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, विटामिन का महत्व बताया गया। प्रदर्शनी में खाद्य सामग्री के साथ फलों को भी सजाया गया।